जय श्री बालाजी की। स्वागत है आपका YouTube चैनल पर। आप देख रहे हैं एस्ट्रोलॉजी गुरुकुल। आज हम आपको बताएंगे मिथुन राशि के लोगों के लिए कैसा रहने वाला है साल 2021। इसमें हम जानेंगे मिथुन राशि के लोगों का स्वभाव, शिक्षा, करियर, लव लाइफ, आर्थिक स्थिति और उनका स्वास्थ्य कैसा रहेगा आने वाले साल 2021 में। सबसे पहले बात करेंगे मिथुन राशि के लोगों के लिए लकी चीज़ों के बारे में। लकी नंबर 5, लकी दिन सोमवार, बुधवार, गुरुवार। लकी कलर क्रीम और हरा। लकी स्टोन पन्ना। अब बात करते हैं मिथुन राशि के लोगों के स्वभाव के बारे में। मिथुन राशि का स्वामी ग्रह बुध है। यह ग्रह बुद्धि तथा व्यापार का कारक ग्रह भी है। मिथुन राशि के जातक काफ़ी बुद्धिमान और दोस्ताना मिजाज के होते हैं। इनके लिए इनके सभी रिश्ते बेहद खास और अहम होते हैं। अपनों की खुशी के लिए ये कुछ भी करने को तैयार रहते हैं। वैसे तो इन्हें लाइफ में बहुत ज़्यादा रोक टोक करने वाले लोग पसंद नहीं होते, लेकिन अगर कोई इन्हें सही राय दे तो ये उसकी बात का मान रखना भी खूब जानते हैं। इनमें एक खास गुण होता है कि ये दूसरों की अच्छाइयों को जल्दी स्वीकार करके उनसे बहुत कुछ सीख लेते हैं। बातचीत करने में भी इनका कोई जवाब नहीं है। ये अच्छे वक्ता होने के साथ साथ ये अच्छे श्रोता भी होते हैं। अपने हंसमुख स्वभाव के कारण ये बहुत जल्दी ही दोस्त बना लेते हैं। लव लाइफ की अगर बात करें तो ये बेहद रोमांटिक होते हैं। अपने प्रेमी के प्रति इनका व्यवहार काफ़ी मधुर होता है। जिससे ये प्यार करते हैं उन्हें ही ये अपने जीवन साथी के रूप में पाना चाहते हैं। अतः प्यार में ये अपने पार्टनर के प्रति बहुत ही जानकार रहते हैं। अब बात करेंगे मिथुन राशि के लोगों की शिक्षा के बारे में। राशिफल 2021 के अकॉर्डिंग छात्रों के लिए यह वर्ष कई नई उम्मीदों को लेकर आ रहा है। छात्रों को अपने वरिष्ठ और कनिष्ठ सहपाठी एवं गुरुजन का सहयोग मिलते रहेगा। अगर आप किसी प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो आलस्य को अपने से दूर रखकर अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए तैयार हो जाइए। सफलता कदम चूमेगी। वे स्टूडेंट्स जो विदेश में शिक्षा प्राप्त करना चाहते हैं उनके लिए भी साल 2021 सफलता की नई किरण लेकर आ रहा है। मेरी आपको यही सलाह है कि अपने समय का उचित प्रयोग कर अपने भविष्य को बेहतर बनाने का प्रयास करें, क्योंकि कड़ी मेहनत और लगन ही आपको सफलता की उच्च शिखर पर लेकर जाएगी। कुल मिलाकर विद्यार्थियों के लिए यह नववर्ष अत्यंत महत्वपूर्ण सिद्ध होने वाला है। अब बात करते हैं करियर, नौकरी, व्यवसाय के बारे में। राशिफल 2021 के अकॉर्डिंग करियर के मामले में साल 2021 आपके लिए बेहतरीन रहेगा। यह वर्ष आपके लिए करियर से जुड़े कई बेहतरीन अवसर लेकर आ रहा है। हालांकि इन अवसरों का लाभ उठाने से पहले आपको ठीक से संयमित होकर अपना कार्य करते रहने की आवश्यकता है। अपने कार्य के प्रति आपकी निरंतरता और कर्म करने की क्षमता से आपको आगे बढ़ने में मदद मिलेगी। कार्यस्थल पर आपको वरिष्ठ और कनिष्ठ सहकर्मियों का सहयोग मिलेगा, जिससे कार्यों को समय पर पूर्ण करने में आपको काफ़ी मदद मिलेगी। साल के मध्य भाग में आपको अपने करियर में उतार चढ़ाव देखने पड़ सकते हैं, इसलिए इस समय आपको धैर्य रखकर आगे बढ़ने की आवश्यकता होगी। अपना व्यापार कर रहे जातकों को अधिक समझदारी से कार्य करने होंगे। इस वर्ष आप अपने व्यवसाय विस्तार की भी आप सोच सकते हैं। आपकी आमदनी में वृद्धि होने की प्रबल संभावना है। कुल मिलाकर करियर के मामले में यह वर्ष आपके लिए अच्छा ही रहेगा। अब बात करते हैं प्रेम और वैवाहिक जीवन के बारे में। प्रेम राशिफल 2021 के अकॉर्डिंग यह वर्ष आपके लिए प्रेम और वैवाहिक जीवन की दृष्टि से काफ़ी बेहतर रहने वाला है। वे जातक जो पहले से रिलेशनशिप में हैं उनका प्यार इस दौरान परवान चढ़ता नजर आएगा। प्रेम संग आप कुछ अच्छे पलों का आनंद भी लेंगे। वे जातक जो सिंगल हैं उनकी लाइफ में भी किसी खास शख्स की एंट्री हो सकती है। इस वर्ष कुछ लोगों के प्रेम विवाह के मजबूत संयोग भी बन रहे हैं और यह संयोग आपके जीवन में खुशियों का एक उपहार लेकर आएगा। विवाहित जातकों के लिए भी यह वर्ष अच्छा रहेगा। हालांकि कुछ समय वैवाहिक जीवन में आपको थोड़ा सावधान रहने की सलाह दी जाती है,
अपने जीवन साथी का आपको पूर्ण रूप से हर मोड पर सहयोग मिलेगा। कुल मिलाकर प्रेम और वैवाहिक मामलों में यह वर्ष आपके लिए विशेष रूप से यादगार रहने वाला है। अब बात करते हैं पारिवारिक जीवन के बारे में। राशिफल 2021 के अकॉर्डिंग पारिवारिक मामलों में यह वर्ष आपके लिए काफ़ी खास रहने वाला है। व्यस्त दिनचर्या के बावजूद भी आप अपना कुछ समय अपने परिवार को देंगे, जिससे परिवार में खुशनुमा माहौल बना रहेगा। घर की आवश्यकता अनुसार नई नई कई चीज़ें खरीदने के लिए भी शुभ संकेत इस वर्ष आपको दे रहा है, और घर परिवार में किसी शुभ या मंगल कार्य का आयोजन होने की भी संभावना है, और इन सभी कार्यों से परिवार में सकारात्मक ऊर्जा का संचार होगा। पारिवारिक मामलों में इस वर्ष आपको मैं यही सलाह दूंगी कि बेवजह की बातों को आगे बढ़ने ना दें और संयमित रूप से इस हर मुश्किल से बाहर निकलने की कोशिश करें। कुल मिलाकर पारिवारिक मामलों में यह वर्ष आपके लिए बढ़िया रहेगा। अब बात करते हैं मिथुन राशि के लोगों के 2021 में आर्थिक स्थिति के बारे में। राशिफल 2021 के अकॉर्डिंग आर्थिक मामलों में यह वर्ष आपके लिए वैसे तो अच्छा रहेगा, हालांकि कुछ धन संबंधित जैसे धन का लेन देन, निवेश आदि कार्य आपको किसी समझदार और अनुभवी व्यक्ति की राय से ही करने चाहिए, उनकी सलाह लेकर ही करने चाहिए। इस वर्ष किसी को दिया हुआ धन भी समय से पहले आपको मिलने के संकेत नज़र आ रहे हैं, या फिर जो कर्ज आपने लिया था उस समय से चुकाने में आप सफल होंगे। इस समय आप उसको चुकाने में एकदम सफल हो जाएंगे, आपको वो कर्ज आपका चुक सकता है 2021 में। इस वर्ष आपके अनियोजित खर्चे बढ़ सकते हैं, ऐसे में अपनी इनकम और खर्चों में बैलेंस बनाकर रखें। साल के मिडल में मध्य में आते आते आप धन संबंधित मामलों में खुद को बेहतर स्थिति में पाएंगे। इस वर्ष आपको मैं यही सलाह देऊंगी कि छोटी छोटी बचत योजनाएं जरूर बनाकर चलें, जो आपको भविष्य में अच्छा लाभ दिलाए। कुल मिलाकर आर्थिक मामलों में यह वर्ष आपके लिए बढ़िया रहेगा। अब बात करते हैं मिथुन राशि के लोगों के 2021 में स्वास्थ्य के बारे में। राशिफल 2021 के अकॉर्डिंग इस वर्ष आपको स्वास्थ्य के मामले में संभल कर चलने की आवश्यकता है। इस वर्ष अपने खान पान और रहन सहन के तरीके में थोड़ा सकारात्मक बदलाव करने से कई छोटी छोटी बीमारियों से आप बच सकते हैं। मेरी आप लोगों को यही सलाह है कि योग और व्यायाम और ध्यान इत्यादि को भी अपनी दिनचर्या में शामिल करना आपके लिए लाभदायक सिद्ध होगा। कुल मिलाकर सेहत के मामले में यह वर्ष आपके लिए अच्छा रहेगा। तो अगर आपको ये हमारी जानकारी अच्छी लगी तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल बटन को प्रेस कर दीजिए, ताकि आपको सही टाइम पर हमारी जानकारियाँ हैं वो मिलती रहें।